नमस्कार दी एनएस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अभी हम लोग हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा माहौल जम चुका है। गंगा आरती अभी थोड़ी देर में होने वाली है। कई सारे लोग यहाँ पर जमावड़ा लगा चुके हैं, सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या नजारा है, क्या भव्य नजारा है। लगातार यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है और अभी गंगा आरती होने वाली है। उससे पहले थोड़ा सा जतन गीत और गजल वगैरह चल रहा है। यहाँ पर भी कई सारे लोग आप देख सकते हैं कि लगातार मौजूद है, तो उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से? कर्नाटक से। नाम क्या है आपका? वाली गुरु जी। कैसा लग रहा है आपको, पहली बार आप बनारस आए? बहुत बढ़िया है। पहली बार नहीं, पिछले बार आए थे हम, बहुत गलीज थे, सभी क्लीन हुआ। यहाँ पर आके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन पवित्र लग रहा है। अब पवित्र लग रहा है जी। गंगा आरती कैसा फील कर रहे हैं? गंगा आरती अभी देख लेंगे, गंगा आरती भी देखेंगे जी। हर हर गंगे हर हर मोदी। हर हर गंगे हर हर मोदी। आप कहाँ से? हम हुबली से है, कर्नाटका। और मैं पहली बार आया हूँ हमारे गुरु जी के साथ और मेरे को एंथुजियास्टिक फीलिंग हो रहा है, एनर्जेटिक फील हो रहा है। और ये मेरे लाइफ में फर्स्ट टाइम है गंगा आरती के लिए, क्योंकि दो साल प्लान कर रहे थे, कोविड की वजह से आ नहीं पाए, तो इस बार मौका मिल गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। सुना था कि बहुत यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है और रियलिटी में डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि मोदी सरकार है तो। और ट्रैवलिंग लोगों की बहुत सुविधा है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो कुछ दिक्कत नहीं आया है। और सार्वजनिक लोगों को भी बहुत सपोर्ट है, तो बेटर फील है और फिर आने का मन हो रहा है। फिर आने का मन हो रहा है, डेफिनेटली आएंगे, आते रहेंगे। हर हर मोदी। हम आसनसोल वेस्ट बंगाल। आसनसोल वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से। पहली बार आप यहाँ पर? पहली बार आया। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आपकी अभी तो आरती होती है गंगा की आरती आपके यहाँ बंगाल में, दुर्गा जी की आरती? हाँ, वो वाली आरती भी अच्छी होती होगी बिल्कुल। उसका कुछ फील बताएंगे आप? हाँ, अभी न्यूली स्टार्ट हुआ है बाबू घाट में, सेम आरती जैसे बनारस जैसा ही। अच्छा अच्छा। पहली बार आपका नाम क्या है? ऋतिक साधु। ऋतिक, कैसा लग रहा है यहाँ पर? अभी फर्स्ट टाइम देखूंगा, सो आई एम एक्साइटेड। फर्स्ट टाइम जो मैं आ रहा हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, अमेजिंग। एंड मैं बेसिकली पुणे में रहता हूँ, बट आई लाइक द एटमॉस्फेयर, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और लगातार लोग यहाँ पर गंगा आरती का इंतजार कर ही रहे हैं, बस थोड़ी देर में ऐसे होने वाला है। हम आंटी जी से पूछ रहे हैं, नाम? अनीता। कहाँ से हैं? इलाहाबाद, प्रयागराज। प्रयागराज से। तो यहाँ पर ये भव्य आरती हो रही है, पहली बार आप तो देख रही हैं, किससे पहले देख चुकी हैं? नहीं, फिजिकली तो पहली बार देख रही हूँ, टीवी में देखा है बहुत बार। आज वर्चुअली देखा, आज पहली बार सामने सामने देख रही हैं। तो यार 14 के पहले बहुत ही गंदा रहता था। अच्छा, उसके बाद से हम लोग अभी आए हैं तो बहुत साफ सुथरा और एकदम बदला हुआ है। पहले काफी बेटर हुआ है। नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। पहले तो पहले हम लोग से बदबू आ रही थी। अच्छा, 2014 में हमारे और कोलिग्स वगैरह यहाँ पे, उनकी शादी मैरिज वगैरह में आना होता है, लेकिन बहुत तब अच्छा नहीं था ऐसे। अभी बहुत साफ सुथरा एकदम बदला हुआ लग रहा है। अच्छा, इलाहाबाद में भी काफी कुछ अभी डेवलपमेंट हो रहा है? इलाहाबाद में काफी कुछ हो रहा है। उसमें क्या लग रहा है कि मतलब चुनाव होने वाले 2022 में, तो क्या फर्क रहेगा इस बार? ऐसा नहीं, ये सब अपना काम कर रहे हैं लोग ईमानदारी से। चुनाव तो अपनी एक प्रक्रिया एक अपनी जगह पे है ही, लेकिन ये लोग ईमानदारी से समाज का काम कर रहे हैं बस, और सब जगह वो काम दिख रहा है। उसमें वोट आप किसको देंगे? वोट जो कर रहा है उसी को दिया जाएगा। जो कर रहा है कौन कर रहा है, आपको तो दिख रहा है? प्रेजेंट गवर्नमेंट कर रही है। हाँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट ठीक है, बढ़िया काम कर रही है देश के लिए, ठीक है, समाज के लिए, सबके लिए। सेंट्रल एंड स्टेट बोथ। सेंट्रल एंड स्टेट बोथ आर डूइंग गुड वर्क। मैं एक्चुअली जिसके बारे में बोल रहे होंगे शायद वही जाएगा। वही तरह से यहाँ पर वोट दिखता दिख रहा है। वोट एक पार्ट नहीं है इस विकास को देख करके, लेकिन वोट तो जो डिजर्व करता है उसी को दिया जाएगा। बिल्कुल विकास जो दिख रहा है, अब चलने वलने में रोडों में गड्ढे नहीं दिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि यही डिजर्व करते हैं। आपको क्या कहना है, इस बार वोट होने वाले हैं 2022 चुनाव में, तो आप किसको वोट करेंगे? मोदी को। मोदी को करेंगे? मोदी मतलब बीजेपी। यस, बाबा जी को चेंज करने का कोई सवाल ही नहीं है, बाबा जी को आगे अभी बहुत जाना है, इसलिए पहले भाई योगी को ही देंगे। योगी को। यस सर।